नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 जून, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज 1 जून से हो सकते हैं कई बड़े बदलाव। बिहार के 259 निकायों में मुख्य डंपिंग यार्ड की होगी घेराबंदी। घर बनाने को लेकर नई व्यवस्था हुई लागू। आज से बिहार बोर्ड इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। IPL 2023 की ट्रॉफी लेकर तिरुपति मंदिर पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय नौसेना में 1,365 पदों पर निकली भर्ती। भारतीय नौसेना की ओर से अग्निवीर SSR योजना के तहत कुल 1,365 पदों पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैथ्स और फिजिक्स विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें केवल अविवाहित पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए joinindiannavy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। आज 1 जून से हो सकते हैं कई बड़े बदलाव। आज यानी कि 1 जून से कई ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जिसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। बता दें कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज से यानी कि 1 जून से LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव किया जा सकता है। इसके साथ ही आज से देश में लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना भी 25,000 से 30,000 महंगा पड़ सकता है। बता दें कि 21 मई को भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार दोपहिया EV खरीदने पर 1 किलोवाट घंटा पर अब 15,000 रुपये के बदले 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा लोगों को आज से अमेजोन पर शॉपिंग करना भी महंगा पड़ने वाला है क्योंकि अमेजोन इंडिया के द्वारा प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड विक्रेताओं से ज्यादा कमीशन वसूलने का ऐलान किया गया है। आज से होंडा कार्स इंडिया के द्वारा किए गए ऐलान के अनुसार होंडा सिटी और अमेज की कीमतों में 1% तक की बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं आज से RBI के द्वारा 100 डेज 100 पेज अभियान की शुरुआत की जाएगी जो 100 दिनों के अंदर ऐसे 100 खातों की पहचान करेगी जिसमें ज्यादा रकम पड़ी हो और उस पर कोई दावा पेश न करता हो। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आयशा शर्मा के बारे में। आयशा शर्मा का जन्म 25 जनवरी 1989 में बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। बता दें कि उन्हें पहली बार आयुष्मान खुराना के इकवाड़ी म्यूजिक वीडियो में देखा गया था। आयशा शर्मा ने इसके बाद जॉन अब्राहम और मनोज वाजपेयी के साथ हिंदी एक्शन थ्रिलर सत्यमेव जयते में अपने अभिनय की शुरुआत की। मालूम हो कि आयशा शर्मा ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और लैक्मे, पेप्सी और कैंपस शूज सहित कई लोकप्रिय ब्रांडों के लिए एक प्रमुख चेहरा बन गई। 2016 में उन्हें किंगफिशर कैलेंडर गर्ल्स में से एक के रूप में चित्रित किया गया था। यह एक प्रशिक्षित कथक नर्तक भी है। आज से बिहार बोर्ड इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है और अब बिहार बोर्ड से 11वीं करना चाह रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज यानी कि 1 जून से बिहार बोर्ड इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है जो कि 7 जून तक चलेगी। ऐसे में छात्रों के पास केवल 7 दिन का समय है जिसमें वे अपना आवेदन आधिकारिक वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से इससे पहले भी आवेदन की शुरुआत की गई थी लेकिन सर्वर में खराबी आने के कारण तिथि को आगे बढ़ा दिया गया था। ऐसे में वे छात्र जो आवेदन करने से वंचित रह गए थे उनके पास ये 7 दिन आवेदन करने के लिए सुनहरा अवसर है। वहीं अगर आवेदन के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो छात्र जारी किए गए हेल्प सेंटर नंबर 06122230009 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में 5 जगह खुलेगा खेल विज्ञान केंद्र। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन संकरण के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में खेल को बढ़ावा मिल सके इसके लिए राज्य के 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। बता दें कि इस खेल विज्ञान केंद्र में खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनकी प्रतिभा में और निखार आएगा। बता दें कि इसके साथ ही भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और प्रशिक्षक ओलंपियन V. भास्करन बिहार के एकलव्य खेल स्कूल के परामर्शी बनेंगे। महानिदेशक रविंद्रन संकरण ने कहा कि बिना वैज्ञानिक तरीके और बिना टेक्नोलॉजी की मदद से हम राज्य में अच्छे प्रशिक्षक और बेहतर खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए रामचंद्र खेल विज्ञान की मदद से राज्य के 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के भवनों के एक ही होंगे रंग। राज्य में मौजूद मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में परिवर्तन लाया जा सके इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिशन परिवर्तन के तहत राज्य के सभी 10 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भवन को एक ही रंग से रंगने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इसका मॉडल भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी को माना गया है यानी कि अब भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी के रंग जैसा ही राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भवन को भी रंगा जाएगा।
मालूम हो कि इसके लिए विभाग की ओर से निर्देश भी दे दिया गया है। बता दें कि विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अब राज्य के जिन 10 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भवन को एक ही रंग से रंगा जाएगा उनमें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर, जीएमसी बेतिया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जेएल एनएमसीएच भागलपुर, जीएमसी पूर्णिया, जेएनके टीएमसीएच मधेपुरा और एएनएमसीएच गया के नाम शामिल हैं। बिहार के 259 निकायों में मुख्य डंपिंग यार्ड की होगी घेराबंदी। अगर आपका घर भी डंपिंग यार्ड के पास है और आपको गंदगी की काफी समस्या होती है तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि अब राज्य के 259 निकायों में स्थित डंपिंग यार्ड की घेराबंदी की जाएगी जिसके बाद वहां मौजूद घरों में हवा के साथ कूड़ा नहीं पहुंच पाएगा। मालूम हो कि बेसा के पूर्व महासचिव और कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार चौधरी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगर डंपिंग यार्ड के पास निश्चित ऊंचाई तक घेराबंदी की जाती है तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा के बाद भी घरों तक डंपिंग यार्ड का कूड़ा नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि अगर आंधी आती है तो यह घेराबंदी फायदेमंद साबित नहीं होगा। बता दें कि डंपिंग यार्ड की घेराबंदी के साथ साथ पर्यावरण को ठीक करने के लिए पेड़ पौधे लगाने की भी योजना बनाई गई है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे कालीघाट के बारे में। कालीघाट पटना जिले का एक आकर्षण स्थल है। कालीघाट पटना जिले में पटना यूनिवर्सिटी के पास में स्थित है। कालीघाट गंगा नदी के किनारे बना हुआ एक सुंदर घाट है। आप यहां पर आकर गंगा नदी का सुंदर दृश्य देख सकते हैं और गंगा नदी में बोटिंग कर सकते हैं। यहां पर आपको दरभंगा हाउस देखने के लिए मिलता है जो कालीघाट के पास ही में बना हुआ है। यह एक प्राचीन महल है। इस महल के अंदर काली माता की भव्य प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। यह प्रतिमा बहुत प्राचीन है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। इस घाट का नाम कालीघाट इसी मंदिर के नाम पर पड़ा है। आप यहां पर आकर काली माता के दर्शन कर सकते हैं और गंगा नदी का सुंदर घाट देख सकते हैं। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जिन्होंने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा में भाग लिया था तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बीते दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में छात्र अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि इस परीक्षा में कुल 62.06% छात्रों को सफलता मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा में कुल 56,061 छात्र शामिल हुए थे जिनमें से 34,792 छात्र पास हो चुके हैं। मालूम हो कि रिजल्ट बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा जारी की गई है। इसके साथ ही आनंद किशोर के द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट अगले 5 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। बिहार से गुजरने वाली 2 ट्रेनें रद्द, 8 के बदले रूट। इन दिनों पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में औढ़ियार सादात स्टेशनों के बीच हो रहे निर्माण कार्य को लेकर बिहार से गुजरने वाले 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जबकि 8 ट्रेनों के रूट में बदलाव भी कर दिया गया है। बता दें कि जिन 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें 1551 दरभंगा वाराणसी सिटी एक्सप्रेस और वाराणसी सिटी दरभंगा एक्सप्रेस शामिल है। वहीं जिन 8 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है उनमें 1501 शालीमार गोरखपुर एक्सप्रेस, 1400-08 आनंद विहार टर्मिनल रक्सौल एक्सप्रेस, 1401-08 आनंद विहार टर्मिनल रक्सौल एक्सप्रेस, 09525 ओखा नहाड़ लुगाम एक्सप्रेस, 11061 लोकमान्य तिलक टर्मिनल जयनगर एक्सप्रेस, 14523 बरौनी अंबाला एक्सप्रेस, 14005 लिच्छवी एक्सप्रेस और 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस के नाम शामिल हैं। बेतिया में घुसखोर आपूर्ति पदाधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार। इन दिनों बिहार में घुसखोर अधिकारी पर नकेल कसने के लिए निगरानी के द्वारा जी तोड़ कोशिश की जा रही है। बता दें कि इसी कोशिश के तहत बीते दिन बिहार की राजधानी पटना से आई निगरानी के द्वारा मझौलिया प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार को उनके बेतिया में स्थित आवास पर रेड मारकर 55,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार शैलेंद्र कुमार के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान के लाइसेंस रद्द नहीं करने को लेकर दुकानदार से 55,000 रुपये रिश्वत के रूप में मांगे गए थे जिसको लेकर दुकानदार के पुत्र अजीत कुमार ओझा के द्वारा इसकी शिकायत निगरानी से की गई थी। वही शिकायत के आधार पर निगरानी के द्वारा रेड मारकर आपूर्ति पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। घर बनाने को लेकर नई व्यवस्था हुई लागू। अगर आप भी राज्य में घर बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि राज्य के सभी नगर निगमों में मकान व भवन बनाने के लिए नक्शा पास करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि अब नक्शा पास कराने के लिए वास्तुविदों, अभियंताओं, संरचना अभियंताओं, नगर निवेशकों, पर्यवेक्षकों एवं भवन निर्माण से जुड़े 709 तकनीकी विशेषज्ञों का नए सिरे से निबंधन कर दिया गया है। बता दें कि इस नई व्यवस्था के साथ ही निगम के द्वारा मकान बनाने के लिए अब ऑनलाइन नक्शा पास कराने की सुविधा दी गई है और इसके लिए नगर विकास विभाग की ओर से ऑटो मैप सिटीजन पोर्टल भी बनाया गया है। वहीं अफसरों का कहना है कि ऑटो मैप सिटीजन पोर्टल के माध्यम से नक्शा पास कराने के लिए नई बिल्डिंग बायोलॉज के नियमों का पालन किया जाएगा। वहीं छोटे नक्शे को 7 और बड़े को 15 दिन में पास कराने का निर्देश दिया गया है। सरकारी और निजी संस्थानों को आंतरिक समिति गठन न करने पर देना होगा जुर्माना। महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा राज्य के सभी जिलों को निर्देश देते हुए यह कह दिया गया है कि अब राज्य के सभी सरकारी और निजी संस्थाओं को जहां 10 से अधिक लोग काम करते हैं
उन्हें अपना आंतरिक समिति गठन करना अनिवार्य होगा। ऐसे में अगर संस्थान से जुड़ा उत्पीड़न का मामला आयोग या कहीं और सामने आता है तो संस्थान के आंतरिक समिति की प्रशासनिक जाँच की जाएगी, और अगर जाँच के दौरान आंतरिक समिति नहीं पाई जाती है तो ऐसे मौके पर संस्था को जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि जुर्माना के रूप में संस्था को 50,000 रुपए देने होंगे। वहीं समिति के गठन होने के बाद संस्थानों को अपने वेबसाइट व ऑफिस बोर्ड पर सदस्यों के नाम और उनके मोबाइल नंबर को अंकित करना होगा। मालूम हो कि समिति में महिलाओं की संख्या अधिक होगी, लेकिन इसमें पुरुषों को भी रखना अनिवार्य होगा। इस तारीख तक फ्री में अपडेट करवाएं आधार कार्ड। आधार कार्ड आज के समय में न केवल हमारे लिए एक पहचान पत्र के रूप में काम करती है, बल्कि इसकी मदद से हम सरकार के द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं का फायदा भी लेते हैं। बता दें कि अगर हमारे पास आधार कार्ड न हो तो कई योजनाओं का लाभ लेने से हम वंचित रह जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें आधार कार्ड में कुछ चेंज करवाना होता है तो हमें उसके लिए 100 रुपए से लेकर 200 रुपए चुकाने पड़ते हैं। लेकिन बता दें कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए UIDAI के द्वारा आधार अपडेट करवाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर आप आधार अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह 14 जून तक का है, लेकिन आपको बता दें कि मुफ्त में आधार कार्ड में केवल पता को बदला जाएगा। पुलिस ने ट्रक पर लोड 285 कार्टन शराब किया बरामद। बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें अवैध शराब से तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी फोर लेन के पास का है, जहां सरैया SDPO कुमार चंदन के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर करजा थाना अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी करते हुए ट्रक पर से करीब 285 कार्टन अवैध शराब बरामद किया गया है। बता दें कि इस दौरान पुलिस के द्वारा एक पिकअप, एक बोलेरो और 3 टेम्पो को भी जब्त में किया गया है। हालांकि इस दौरान किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। फिलहाल पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूर्णिया, पश्चिम चंपारण और अररिया में लू जैसे हालात। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में अब प्रदेश में गर्मी का सितम शुरू हो गया है। मौसम विभाग भी लगातार लू और तेज गर्मी को लेकर लोगों को सावधान कर रहा है। अब तो मौसम विभाग ने लू और तेज गर्मी को लेकर अलर्ट भी जारी करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि जिस तरह से प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आगे भी इस तरह के हालात रहेंगे तो थंडर स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान की संभावना देखने को मिल सकती है। नमी होने के कारण कहीं भी आंधी तूफान जैसे हालात रहने की संभावना जताई जा रही है। विभाग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, अररिया, खगड़िया, औरंगाबाद, नालंदा, मधेपुरा, रोहतास, बक्सर, भागलपुर एवं पटना जिलों में एक या दो स्थानों पर लू की संभावना रहेगी। बिहार में टैक्स डिफॉल्टर के घरों तक पहुंचेंगे चलंत सिपाही। बिहार के वैसे निजी एवं व्यावसायिक वाहन मालिक जिन्होंने वर्षों से टैक्स जमा नहीं किया है उन्हें परिवहन विभाग के द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अब ऐसे डिफॉल्टर पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग की ओर से तैयारी कर ली गई है। बता दें कि अब राज्य के डिफॉल्टर के घरों तक चलंत सिपाही पहुंचने वाले हैं और वाहन मालिकों को नोटिस चिपकाने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में 4 लाख से अधिक निजी एवं व्यावसायिक वाहन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों से टैक्स जमा नहीं किया है। मालूम हो कि फिलहाल डिफॉल्टर के लिए विभाग की ओर से आम सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले माह तक सूचना जारी कर दिया जाएगा और फिर उनसे राशि वसूली जाएगी। गो फर्स्ट विमानों के परिचालन पर इतने तारीख तक लगी रोक। एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना में गो फर्स्ट की उड़ान भरने वाले विमानों को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि 8वीं बार है जब गो फर्स्ट विमान के परिचालन को रद्द किया गया है। मालूम हो कि विमान के परिचालन को 4 जून तक रद्द किया गया है। दरअसल इन दिनों गो एयरलाइंस वित्तीय समस्या से जूझ रहा है, जिस वजह से बीते 3 मई से देश भर के गो फर्स्ट विमान के परिचालन को रद्द कर दिया गया था। मालूम हो कि फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर गो फर्स्ट के काउंटर तो खुले हैं, लेकिन वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जानकारी के अनुसार गो फर्स्ट एयरलाइंस पर करीब 6,521 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। वहीं वर्तमान में स्थिति को और बिगड़ते देख विमान को रद्द करने की तारीख को 4 जून तक बढ़ा दिया गया है। 60 लाख के गुम हुए ड्रोन को लेकर मंत्री सुनील कुमार ने कही ये बात। लगभग 25 दिन पहले बिहार के सारण में शराब खोजने को निकला 60 लाख के ड्रोन की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। वहीं इस ड्रोन के बारे में बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि ड्रोन को लेकर अभी तक हम लोग अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। हम लोग आउटसोर्स के माध्यम से ड्रोन को मंगवाए थे। ऐसे में यदि तकनीकी कारण से ड्रोन गायब हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी, लेकिन अब तक इसको लेकर सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। जब हम लोग इस मामले को लेकर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे तब कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन अब ड्रोन का मिलना मुश्किल लग रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम नीतीश पर किया हमला। बीते दिन बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार के छपरा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार को बचाना है तो नीतीश मुक्त बिहार बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री मेमोरी लॉस हो चुके हैं, राज्य में पूरी तरह कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, अपराधी दिन दहाड़े आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और साथ ही भाग भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 और 2025 चुनाव में कमल खिलेगी और भाजपा सरकार बनेगी। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष भी
मंत्री नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर किया हमला। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर आए दिन सभी पार्टियों पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में बीते दिन बुधवार को एक बार फिर से प्रशांत किशोर बीजेपी पर हमलावर रहे। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आज बीजेपी की हालत ऐसी है कि बिहार में पार्टी की कमान ऐसे हाथ में है, जिनके पिता पहले लालू यादव के मंत्री थे, फिर वे नीतीश कुमार के मंत्री बने, उसके बाद फिर वे जीतन राम मांझी के भी मंत्री बने और अब आजकल उनके बेटे बीजेपी का उद्धार करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी बिहार में कोई आदमी नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको भी वही व्यक्ति मिला है जिनके बाप दादा पहले किसी और दल में थे। बीजेपी बिहार के लिए नेता खोज रही है जिसके नाम पर यहां चुनाव लड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बस वही वोट मिलते हैं जो प्रधानमंत्री के चेहरे पर मिलते हैं। बिहार में बीजेपी के किसी नेता के नाम 5 वोट भी नहीं है। IPL 2023 की ट्रॉफी लेकर तिरुपति मंदिर पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 के 16वें सीजन का ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। बता दें कि यह 5वीं बार है जब CSK के द्वारा IPL ट्रॉफी अपने नाम किया गया हो। वहीं इस जीत के बाद CSK प्रबंधन ट्रॉफी लेकर तिरुपति मंदिर पहुंच गए हैं। दरअसल CSK की यह परंपरा रही है कि वह ट्रॉफी को मंदिर लेकर जाते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी CSK ट्रॉफी को लेकर तिरुपति मंदिर पहुंची है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CSK की टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम को 5 विकेट से मात दी थी। बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान के दम पर CSK ने आखिरी गेंद पर 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया और 5वीं बार खिताब जीतकर मुंबई इंडियंस की बराबरी की। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में 1835 से अध्यापन कार्य शुरू हुआ। भारत की पहली डिलक्स ट्रेन 1930 को डेक्कन क्वीन बॉम्बे VT से पुणे के बीच चली। भारत एवं इजराइल के बीच 1992 में हवाई समझौता हुआ। भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ियों में से एक अशोक कुमार का जन्म 1958 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध भारतोलक कर्णा मलेश्वरी का जन्म 1975 में हुआ। भारतीय महिला क्रिकेट राजेश्वरी गायकवाड़ का जन्म 1991 में हुआ। भारतीय फिल्म अभिनेत्री नरगिस का जन्म 1929 में हुआ। कवि एवं लेखक बलदेव वंशी का जन्म 1938 में हुआ। पंजाब उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल विलियम मैलकम हेली का निधन 1969 में हुआ। भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का निधन 1996 में हुआ। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के संस्थापक निदेशक एवं महात्मा गांधी पर कई किताबें लिख चुके इतिहासकार बाल राम नंदा का निधन 2010 में हुआ। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पलकर में आज हम बात करेंगे गरीब वर्ग की सहायता के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गरीब वर्ग की सहायता के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि लिंक के साथ एक संदेश गरीब वर्ग को सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय के नाम पर 32,849 रुपए का लाभ देने का दावा करता है और आगे प्राप्तकर्ता के व्यक्तिगत विवरण मांग रहा है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह मैसेज फेक है। @FinMinIndia द्वारा ऐसी कोई लाभ घोषित नहीं की गई है। व्हाट्सएप बिजनेस यूजर्स को जल्द मिलेगा इंस्टाग्राम जैसा ये फीचर। मेटा व्हाट्सएप बिजनेस पर जल्द एक नया फीचर यूजर्स को देने वाला है। दरअसल कंपनी व्हाट्सएप बिजनेस पर स्टेटस अकाइव का ऑप्शन देने वाली है जिसकी मदद से यूजर्स अपने स्टेटस को अगले 30 दिनों के लिए अकाइव कर पाएंगे। ये फीचर ठीक इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह ही है जहां यूजर्स को स्टोरी को अकाइव करने का ऑप्शन मिलता है। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info ने इस अपडेट को स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। बता दें कि फिलहाल स्टेटस अकाइव का फीचर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया गया है। एक बार जब ये सभी के लिए रोल आउट हो जाएगा तो आपको एक पॉपअप इस अपडेट के बारे में मिलेगा और आप अपने स्टेटस को अकाइव कर पाएंगे। बीते दिन मजा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने मजा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, कुश कुमार यादव, राम नवी मांझी, नुनू गोलू कुमार, कुमारी संजना, पिंटू मतो, PK पासवान, मोहम्मद सकीर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, अतीक खान, अजीत पंडित, राजेश कुमार यादव, राजकिशोर महतो, मोहम्मद अफजल मंसूरी, विभा कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है गर्मी में आप खुद को तरोताजा रखने के लिए कौन सा पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। आप न जाओ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।